हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य श्वेताज किचन। आज हम बनाते हैं नान खटाई। तो नान खटाई हम घर में बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बनेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं। और इसमें हम लेंगे पिसी हुई चीनी, आधा कप ही यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। जितना हमने घी लिया है उतना ही हमने चीनी को लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम और ज्यादा कर सकते हैं। और इन दोनों को अब हम बढ़िया से मिक्स करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। तो बस आप इसी तरीके से इसको मिक्स करते रहिए, कुछ देर में ये फ्लफी हो जाएगा। मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है और इसको आप देख सकते हैं ये कैसा फ्लफी सा हो गया है। ये डबल हो गया है क्वांटिटी में। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मैदा। ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चना मैदा, और आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। आप बेसन स्किप कर सकते हैं, आप बेसन मैंने टेस्ट के लिए डाला है। तो ये जो है मैंने 1 चम्मच बेसन ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी डालना है अगर आपको, तो आप सूजी को मिक्सिंग ग्राइंडर में डाल के उसे थोड़ा सा फाइन बना लीजिए, थोड़ा सा बारीक कर लीजिए और फिर डालिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूजी लिया हुआ है। और आप इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। सूजी से हल्का सा क्रिस्पीनेस आता है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये स्पैचुला से नहीं होगा, इसे हम करते हैं अपने हाथों से मिक्स, क्योंकि इसे हम जो है इसका डो बनाने वाले हैं तो वो हाथों से ही ज़्यादा प्रेफर पड़ेगा। और स्पैचुला को मैं हटा देती हूँ। नहीं करना है अगर आपको घी कम लगता है या फिर आपको ये डो ज़्यादा गीला लग रहा है तो आप उस जगह पे मैदा ले सकते हैं, और अगर कम लगता है तो आप घी ले सकते हैं। और इन सबको देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, ये बनने लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। ये बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे और खस्ता बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो बेसन भी नहीं डालें, आपके ऊपर डिपेंड है। आप सिर्फ मैदे से बना सकते हैं या फिर यहाँ पर आटे का भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर सूजी मैंने इसलिए डाली है कि उससे क्रिस्पीनेस आती है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट हमारा घर में हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, आपकी इच्छा हो तो डालिए वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे इसका जो है स्मेल बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन सबको हम अब फटाफट से करते हैं मिक्स। तो ये देखिए ये पूरा एक डो बन गया है, डो की तरह। अब हम क्या करेंगे, इसे हम रखते हैं और तब तक हम चलते हैं अपने कुकर को प्री हीट करने के लिए। यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, ये यूज़ किया हुआ नमक है। इसे मैंने 4 से 5 बार यूज़ कर लिया है। ये 1 कटोरी नमक है, आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें, मैं खुद भी बढ़ाऊंगी, मैं थोड़ा सा इसमें और डाल देती हूँ नमक हूँ, ताकि पूरे कुकर में या फिर आप जिसमें भी बेक कर रहे हैं कढ़ाही में, कुकर में हीट जो है बराबर पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने नमक और डाल दिया, तो लगभग 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया हुआ है। और इसे हम हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ और तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपने बिस्किट्स को। इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। इसमें आप घी लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, ताकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही आराम से निकल सकें। तो बस इसे मैंने ग्रीस, तो अब इसे ग्रीस करने के बाद हम बना लेते हैं बिस्किट को। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक पोर्शन ले लिया है इसका, और इस तरीके से आप हाथों से प्रेस कीजिए। और ये देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद आप इसे एक शेप दे दीजिए, इसे शेप दे दीजिए इस तरीके का, और इसे थोड़ा सा पतला कीजिए। इस ऐसे आप प्रेस करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो ये देखिए ये बढ़िया सा तैयार हो चुका है। अब इसे इसी तरीके से हम सारे ही बिस्किट्स को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने तीनों ही ट्रे में बिस्किट्स को रख दिया है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी
कि जो हमारी ट्रे नीचे रहेगी, जो सबसे नीचे रहेगी, उस ट्रे में आप बिस्किट्स को थोड़ा मोटा कीजिए, क्योंकि हम लेयर वाइज में पकाएंगे, लेयर टू लेयर। जैसे इसके ऊपर हम दूसरा स्टैंड डालेंगे, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जो हमारे बिस्किट्स हैं वो ब्राउन हो जाएंगे और जो ऊपर वाला है उसका कलर बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे जरा मोटा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान से इसे थोड़ा मोटा रखिए और बाकी ये सब आप सिमिलर रखिए। तो इसको गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा बादाम, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, और मैंने ली हुई है नाइफ। तो नाइफ से मैं इसे कट कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना देती हूँ। आप चाहे तो फोक भी ले सकते हैं, बस इस तरीके का, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं सभी में इस तरीके से कर दूंगी। तो यहाँ पर सारे ही बिस्किट्स को मैंने इस तरीके से गार्निश कर लिया है। अब हम लेते हैं स्टैंड को और इसमें एक एक करके डालेंगे। तो ये बिस्किट्स थोड़े मोटे हैं और ये सबसे नीचे वाला स्टैंड है, प्लेट है, और इसके ऊपर हम ये वाली प्लेट लगाएंगे। और आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाएंगे। आप किसी मोटे तले की कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, या फिर आपको नमक नहीं लेना है तो आप बालू ले सकते हैं, और उसे प्री हीट करके 8 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, उसमें कोई प्लेट या कोई ट्रे ले लीजिए और आप उसमें बिस्किट्स को रख के बेक कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें आप बटर पेपर लगाइएगा, या फिर आप उसको ग्रीस कर लीजिएगा घी से, और या फिर आपके पास फॉइल पेपर हो तो आप उसे लगा सकते हैं, और आपका बिस्किट उसमें भी बहुत बढ़िया। ये देखिए, इसे हम खोल लेते हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें से हीट आ रही है। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं। बहुत ही सावधानी से डालिए, आराम से आप इसको इसके अंदर रख दीजिए इस तरीके से। अब इसे हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक हम चेक कर लेते हैं। अभी ये हो चुके हैं 12 मिनट। तो अभी देखिए, ये फूल तो चुका है लेकिन अभी ये पका नहीं है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और बेक कर लेते हैं, और इसे मैं फिर से कवर कर देती हूँ। इसे हम 3 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे, और इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, बिस्किट हमारा पक चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको इसी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और अगर आप निकाल सकते हैं तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए, ये बेक हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। देखिए कितने आराम से ये निकल रहे हैं इस तरीके से। ये हल्का हल्का गर्म है अभी, ये मैंने निकाल लिया, और 2 प्लेट का मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब दूसरा वाला हम बेक होने के लिए रखते हैं, और फिर मैं एक साथ आपको तोड़कर दिखाऊंगी। और इसे हम रख देते हैं फिर से बेक होने के लिए। कुकर को मैंने फिर से हीट कर लिया था, और इसे हम कवर कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गए हैं टोटल 18 मिनट, और इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, बिस्किट हमारा पक चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको इसी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और अगर आप निकाल सकते हैं तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए, लेकिन कोई कपड़ा ले लीजिए इस तरीके से और फिर निकालिए। तो अभी मैं इसी में छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसमें से निकालूंगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट्स बन के तैयार हुए हैं, और मैंने दोनों ही बैच को बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाले हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, और बाकी के सब कलर तो बहुत ही अच्छे आए हैं। पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता बिस्किट बन के तैयार हुआ है हमारा। देख सकते हैं आप कितने फूले फूले से और कितने जालीदार बिस्किट बने हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना ब्राउन हो गया, ये सबसे नीचे वाली प्लेट का है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।